हित के सवालों पर गरजे समाजवादी नेता, सौंपा गया ज्ञापन। गुरुवार को समाजवादी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने निवृत्तमान जिला अध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिला अधिकारी सदर के माध्यम से राज्यपाल को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी नेता कार्यकर्ता न्याय मार्ग पर एकत्र हुए और सरकार के लिए नारेबाजी करते हुए शास्त्री चौक तक होते हुए राज्यपाल को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया भुगतान किया जाए, छुट्टा पशुओं से फसलों की बर्बादी रोकने व बस्ती में प्रस्तावित रिंग रोड में किसानों को समुचित मुआवजा दिए जाने को लेकर, बिजली और रोडवेज के बढ़े हुए दरों को वापस लिया जाए, जनपद के जर्जर सड़कों की मरम्मत कराई जाए, यूरिया खाद का संकट दूर किया जाए, बढ़ोतरी वापस लिए जाने आदि की मांग इस ज्ञापन में शामिल रही। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व विधायक राजमणि पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष राजा राम यादव, राम केवल यादव, रविन्द्र यादव, चंद्रभूषण मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। वंदे भारत के लिए बस्ती से धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। लेकिन उनको वो आवाज लगता है कि जो यहाँ बैठे हैं मुखिया उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है, महंगाई चरम पे है, आज आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में? ये इनके कानों तक नहीं पहुँच रही है कि निकड़ी नहीं सोए हुए हैं, ये जब तक नहीं जाग जाएंगे तब तक हम लोग जो है इसी तरीके से धरना प्रदर्शन ज्ञापन करते रहेंगे को जगह के साथ। क्या सूत्री मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? सूत्री ज्ञापन आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है, इसमें हमारी मुख्य मांगे है कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। इन्होंने 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात कही थी, अभी पिछले साल के गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। हमारे यहाँ वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई लेकिन उसके गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, वर्षों से लंबित है। मुंडेरवा चीनी मिल और उधौली चीनी मिल पिछले साल के गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ। छुट्टा पशु जो है फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, आए दिन इससे घटनाएँ हो रही हैं। ये रिंग रोड अभी एक प्रस्तावित हुआ है, उस पर जिन किसानों की फसल, जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, वहाँ जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है बरसों से। किसानों की ज़मीन औने पौने दाम पे लेने की साजिश है। हमारी मांग है कि उस सर्किल रेट जो नियम है कि हर साल 10% बढ़ाया जाए, उस सर्किल रेट को बढ़ा करके किसानों का उचित मुआवजा दिया जाए। अभी कानपुर में जेसीबी से जिस तरीके से परिवार को जो है घर गिराया गया, जो लोग जल में हैं, पॉलिटिकल नहीं है, पर आप क्या कह रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, एकाध दो घटनाएं जहां मीडिया के लोग या जहां आम जनमानस के माध्यम से समाज में आ जा रहा, कोई जिला, कोई जनपद, कोई जगह नहीं बाकी है जहाँ ये प्रशासन के दम पे गुंडई नहीं कर रहे हैं, दमन करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो लगातार देखिए जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर और बाबा जो है क्या नाम उनका, जिस तरीके से उनका हाथा पाई और उन लोगों में हो गया है, इस पर अभी अब ये तो कहीं ना कहीं जो है ये गुंडई है, आज़ादी पे अभ्यक्त की आज़ादी जो है उस पर आक्रमण है, लोकतंत्र पे आक्रमण है, संविधान पे आक्रमण है। ये लोग, ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, ये अपने तरीके से देश को और देश के लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। ठीक, शुक्रिया।